मेरे हाथ में भारत का संविधान है, मैं जो कुछ बोलूंगा इसी संविधान से बोलूंगा और इस संविधान को मैं बिना चश्मे से पढ़ता हूं। इसी संविधान को कुछ लोग कैम्ब्रिज के चश्मे से पढ़ते हैं, कुछ लोग ऑक्सफोर्ड के चश्मे से पढ़ते हैं, हमें चश्मे की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैं सामान्यतया इसको भारत के चश्मे से पढ़ता हूं, बिना बिना चश्मे के पढ़ लेता हूं। सच्चाई तो यह है कि इसका पहला शब्द है सोवरिन, हम संप्रभु भारत बनाएंगे। संप्रभु भारत का मतलब सब कुछ हमारा होगा, टैक्स सिस्टम हमारा होगा, शिक्षा व्यवस्था हमारी होगी, कर व्यवस्था हमारी होगी, पुलिस व्यवस्था हमारी होगी, न्याय व्यवस्था हमारी होगी। 1860 में अंग्रेजों ने जो इंडियन पिनल कोड बनाया था वो भारत के लिए नहीं बनाया था, उन्होंने अपने लिए बनाया था। 1861 में पुलिस एक्ट बनाया था, हमारे लिए नहीं बनाया था, अपने लिए बनाया था। 1872 में जो एविडेंस एक्ट बनाया था, हमारे लिए नहीं बनाया था, अपने लिए बनाया था। अगर एक भी अंग्रेजी कानून अच्छा होता तो कम से कम किसी एक अंग्रेज को सजा होनी चाहिए थी। आप इतिहास बताइए, किसी एक अंग्रेज को फांसी हुई, एक अंग्रेज को सजा हुई है, टॉर्चर करने वाले अंग्रेज, पीड़ित भारतीय, सजा होती थी भारतीयों को, क्योंकि वो व्यवस्था चल रही है। पुलिस की वही ड्रेस है, जजों की वही ड्रेस है, वकील की वही ड्रेस है, वही गाउन, वही बैंड, वही किताब, वही इंडियन पिनल कोड, वही पुलिस एक्ट, वही एविडेंस एक्ट, तो स्वाभाविक सी बात है न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, मैं तो हर साल होली के दिन सारे अंग्रेजी कानूनों की होली भी जलाता हूं। 1950 से पहले बने 1950 से पहले बने सारे कानूनों को खत्म कर देना चाहिए। मुझे खुशी है कि वर्तमान सरकार ने 1600 कानूनों को खत्म किया है, लेकिन मैं कहता हूं एक भी छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। एक भी अगर अंग्रेजी कानून बचा रहेगा तो न्याय नहीं मिल सकता, 100% खत्म करना पड़ेगा। इसके बाद तो अंग्रेजों, जो काम अंग्रेजों ने किया था वही काम बाद में कांग्रेस ने भी किया। कांग्रेस ने 50 से ज्यादा कानून बनाए देश को डिवाइड एंड रूल के लिए, मैं उस पर नहीं जाता हूं, जो आपने कहा मिसयूज की बात है। चूंकि सिस्टम वो ऐसा है, प्रोसीजर वही है, तो प्रोसीजर वही है तो स्वाभाविक सी बात है न्याय नहीं मिलेगा। हमारे देश में हमने हर मामले में बहुत कब सब कुछ वर्ल्ड क्लास किया, लेकिन ला के मामले में वर्ल्ड क्लास नहीं का हमने काम नहीं किया। हमने कभी ये नहीं देखा कि क्या कारण है कि सिंगापुर में पत्थरबाजी नहीं होती, क्या कारण है सिंगापुर में नशा तस्करी नहीं होती, क्या कारण है कि जापान में कोई सड़क के किनारे अवैध निर्माण नहीं करता, क्या कारण है कि आपके चीन में धर्मांतरण नहीं होता। चीन का भी एग्जाम्पल दे लेते हैं, सारी समस्याओं का समाधान कानून के जरिए हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है, बशर्ते वो कानून अच्छा हो। कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती, 80% समस्याओं का समाधान कानून के जरिए हो सकता है। कानून अच्छा हो घुसपैठ खत्म हो जाएगी, कानून अच्छा है धर्मांतरण रुक जाएगा, कानून अच्छा हो तो लैंड जिहाद रुक जाएगा, कानून अच्छा हो लफ जिहाद रुक जाएगा, कानून अच्छा हो घूसखोरी, कमीशनखोरी, जमाखोरी, मिलावटखोरी रुक जाएगी। ये समस्याएं लाइलाज नहीं है। कानून अच्छा हो तो जो इस तरीके से लोग अवैध रूप से एंट्री करते हैं वो सब बंद हो सकता है, बशर्ते कानून अच्छा हो। कानून पे काम नहीं हुआ, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, कानून बनाने की कोई लागत नहीं होती, लेकिन कानून बहुत इफेक्टिव काम करता है। समाज के जागरण से कानून 100 गुना ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है। उसका एग्जाम्पल, आप समाज को जागृत करते रहिए, हेलमेट लगाना अच्छा है, हेलमेट लगाना अच्छा है, फिर भी लोग हेलमेट नहीं लगाएंगे। आप ये कहिए हेलमेट न लगाने पे ₹50,000 पेनल्टी लगेगी, अगले दिन से सब हेलमेट लगाना शुरू कर देंगे। आप सबको जागृत करते रहिए, वोट देना है, वोट देना है, वोट देना है, 100% वोटिंग नहीं होगी, एक कानून बना दीजिए, वोटिंग जो नहीं देगा उसका वोटिंग राइट छीन लिया जाएगा, ₹10,000 एक पेनल्टी लगेगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं अगले ही साल 2024 में 90% वोटिंग शुरू हो जाएगी, 100%। तो कानून बड़ा पावरफुल होता है, बशर्ते वो कानून अच्छी नीयत से बनाया हो। अंग्रेजों ने कानून चूंकि अच्छी नीयत से नहीं बनाया, उन कानूनों को बदला नहीं गया, ये समस्याएं चल रही हैं। ऐसी कोई समस्या नहीं है नूपुर जी, चाहे आप जिस नूह की बात कर रही हैं या जितनी जिसकी आप बात कर रही हैं, जिसका समाधान नहीं हो सकता है कानून के जरिए। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं, हमारे पूरे देश में ड्रग कार्टेल चलता है, 80% ड्रग का खेल कौन करता है सबको पता है। 80% ड्रग का कारोबार एक पर्टिकुलर लोगों के पास है, कमाने वाले एक लोग हैं और खाने वाले ड्रग का पूरा जो कंज्यूम करने वाले अलग हैं। सिंगापुर में अभी कुछ दिन पहले 900 ग्राम गांजा मिला, फांसी दे दिया, दोबारा कोई सिंगापुर में गांजा बेचने की हिम्मत नहीं करेगा, ड्रग स्मगलिंग की हिम्मत नहीं करेगा। हमारे यहां 9-9 क्विंटल गांजा मिलते हैं लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ घोटाले में कुछ नहीं हुआ, 1,76,000 करोड़ के 2G घोटाले में कुछ नहीं हुआ, 1,86,000 करोड़ के कोयला घोटाले में कुछ नहीं हुआ, और हर महीने 10-20 लोगों की हत्या होती रहती है।
पत्थर पीट के हत्या हो जाती है, पत्थरबाजी घटना आम बात हो गई है, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि कानून घटिया। अश्विन जी, आपने बोला कि जब लॉज अच्छे इंटेंशन से बनाए जाते हैं और लोगों के हित के लिए बनाए जाते हैं, तो वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज आते हैं। अब जो ड्राफ्ट बिल इस गवर्नमेंट ने निकाला है, आई थिंक नन ऑफ आवर सिटी लॉज विल एवर डाउट देयर इंटेंशन। उनका इंटेंशन यही है ITC को अपग्रेड करने का और ITC नए ड्राफ्ट बनाने का। दैट ओल्ड लॉज आर डन अवे विद एंड देयर आर न्यू लॉज इन प्लेस जो लोगों के or regional group or caste or community bear true faith and allegiance to the constitution of India as by law established or uphold the sovereignty and integrity of India. Ab agar aaj Dr. B.R. Ambedkar and he would have written partition of India or Pakistan in his book, to unko is law ke tehat abhi draft hai, I'd like to clarify, it's not the law yet, but is law ke tehat ko jail chalega, क्योंकि उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है दैट इट इज द मुस्लिम कम्युनिटी दैट इज इनहेरेंटली होल्ड्स एवरी सेटरडे। सीताराम गोयल जी अगर आज जीवित होते हैं, वो अपनी किताब लिखते हैं मुस्लिम सेटरडे, तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। नाउ व्हाइल द इंटेंशन इज करेक्ट टू गेट दिस लॉ दैट यस यू कैन नॉट से कि कोई भी एक ग्रुप इनहेरेंटली बिकॉज ऑफ देयर फेथ और बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद अ ग्रुप वो आपके संविधान पे विश्वास नहीं रखेंगे, लेकिन प्रैक्टिकलिटी बहुत अलग है। और ये इंटेंशन सही है, लेकिन इस लॉ के रेमिफिकेशन क्या होंगे और उसके बियॉन्ड इंटेंशन सही होते हुए भी इंडियन स्टेट इतनी डिरेगुलेटेड है कि चाहे कोई भी पार्टी पावर में हो, दे ब्रिंग लॉज टू प्रोटेक्ट वन कम्युनिटी एंड पर्सनल इंडिया। आज चूंकि विषय बहुत कम है, समय मेरे पास बहुत कम है, पहली बात तो यह कि धर्म एक है, पंथ अनेक है। दूसरा, रिलीजन धर्म नहीं होता, इसलिए भारत धर्म निरपेक्ष नहीं है, बल्कि भारत पंथ निरपेक्ष है। आर्टिकल 25 में जो कहा गया, धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, पंथ की स्वतंत्रता है। धर्म तो एक ही है, सनातन धर्म। अब स्वाभाविक सी बात है, उस आर्टिकल 25 में भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर हेल्थ एंड मोरालिटी, मतलब पंथ के पालन करने में भी आप ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो जिससे पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो, जो इमोरल हो, किसी के अगेंस्ट हो। स्वाभाविक सी बात है, राम के फॉलोअर्स कभी नहीं कहते कि राम के अलावा कोई पूजा के लायक नहीं है। कृष्ण के फॉलोअर कभी नहीं कहते कि केवल कृष्ण ही पूजा के लायक है। हनुमान जी के फॉलोअर कभी नहीं कहते केवल हनुमान जी ही पूजा के लायक है। इस पर चर्चा होनी, लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम जिसको फॉलो करते हैं वही इबादत के लायक है, बाकी कोई इबादत के लायक ही नहीं। एक्चुअल में कायदे से तो वो केस वहां फिट होना चाहिए जिसको आप एग्जांपल दे रहे हैं, वो वहां फिट होना चाहिए। दूसरा, आप कह रही थी कि इंटेंशन, वास्तव में इंटेंशन से रिजल्ट नहीं आता। सरकार का इंटेंशन बहुत अच्छा है, सरकार का इंटेंशन है कि कानूनों का नवीनीकरण हो, लेकिन जो ड्राफ्ट बनाया गया उसको पढ़ने के बाद मुझे बहुत निराशा हुई। वो ड्राफ्ट ऐसे लगता है एसी के कमरे में बैठ के बना दिया गया। ड्राफ्ट पढ़ने वालों ने न अपने बारे में, अपने पुराने कानूनों के बारे में सोचा, पुरानी न्याय व्यवस्था के बारे में सोचा, न उन्होंने सिंगापुर या अमेरिका या जापान या आपके बाकी और देशों के कानून को पढ़ा। सामान्यतया ये जो नौकरशाह हैं, अपना घर बनाना होता है तो 10 आर्किटेक्ट से बात करते हैं, अपना घर बनाना होता है तो 10 लोगों का नया घर जाके देखते हैं, फिर अपना घर बनाते हैं। लेकिन इस कानून को बनाने में उन्होंने कोई मेहनत नहीं किया। अमेरिका में एक फेडरल पिनल कोड चलता है, जैसे भारत में इंडियन पिनल कोड है, अमेरिका में फेडरल पिनल कोड है। फेडरल पिनल कोड वहां एक है, 123 चैप्टर है, हर चैप्टर में क्रिस्टल क्लियर डिफाइन हुआ है। घूसखोरी का एक चैप्टर, जमाखोरी का एक चैप्टर, मिलावटखोरी का एक चैप्टर, ऐसे अवैध घुसपैठ का एक चैप्टर, मतलब वहां पे 50 कानूनों का मकड़जाल नहीं है।
यहां तो इस कानून के आने के बाद भी 50 कानूनों का मकड़जाल रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, तो कानून की संख्या कम नहीं होने वाली। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो टीम ने काम किया है, मुझे लगता है उन्होंने केवल जस्ट फॉर्मेलिटी किया है, और कुछ एक सेक्शन जो और उन्होंने केवल क्या किया है, पैराफ्रेजिंग किया है, जो 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 क्या बोलते हैं सेक्शन 300 था उसको सेक्शन 90 बना दिया, 90 वाले को 250 बना दिया, 250 वाले को 321 बना दिया, 321 वाले के यहां बना दिया, केवल यहां से वहां किया है। वास्तव में उन्होंने केवल जो कहते नहीं पुरानी शराब को नई बोतल में डाल दिया और कुछ नहीं किया है। सरकार को ध्यान लेना चाहिए, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, और ये जो कमेटी के लोग जिन्होंने बनाया है उनको बोलना चाहिए, एक बार तुम अमेरिका का कानून देख लो, जापान का देख लो, सिंगापुर का देख लो, और भी देशों का देख लो, कानून बनाने जा रहे हैं, और भारत की संस्कृति, भारत का कल्चर क्या है उसको भी देख लो, उसको भी समझ लो। कानून का भारतीयकरण होना चाहिए, लेकिन नए ड्राफ्ट में उसकी कहीं ना कहीं कमी रह गई है। तो जब आपके ऑपोजिशन में ऐसे लोग हैं वो वांट टू इरेडिकेट सनातन धर्म, तो आपकी ऑपोजिशन तो आपके हेल्प करने आने वाली है एज फार एज दिस लॉ इज कंसर्न्ड, 195 तो राजनीतिक जो लीडर्स हैं, जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, उनका रोल क्या होना चाहिए एज फार एज दिस ड्राफ्ट बिल इज कंसर्न्ड? देखिए, पहली बात तो जैसा है सेक्शन डाला है इसमें, ऐसा सेक्शन मैंने भी देखा, सिंगापुर में देखा मैंने, अपना यूएस का देखा, कई देशों का देखा मैंने, ऐसा सेक्शन मुझे भी कहीं नहीं मिला। इनफैक्ट ये 295 और 153A का एक तरीके से बस नया वर्जन है, ये कोई इसमें बहुत बदलाव नहीं आया, वो कहते नहीं पुरानी शराब नई बोतल वैसा हो गया ये। जहां तक सनातन धर्म को खत्म करने की बात है, स्वाभाविक सी बात है जिस तरीके की बातचीत हो रही है इसका पॉलिटिकल जवाब तो जनता देगी, उसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे लोगों को जो कहते हैं सनातन खत्म हो जाए, मैं सोच रहा हूं वो करना क्या चाहते हैं। सनातन सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, इसका मतलब वो चाहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की भावना खत्म हो जाए। वो चाहते हैं सनातन सिखाता है सर्वधर्म संभव, तो वो खत्म हो जाए। बस मैं आपका 10 सेकंड अंदर बात खत्म करूंगा, चूंकि आपने सनातन पे पूछ ही लिया है। सनातन खत्म हुआ जहां जहां वहां वहां अशांति फैली है। सनातन खत्म हुआ पर्शिया से ईरान बन गया, रोज दम बम धमाके हो रहे। सनातन खत्म हुआ कैके से पाकिस्तान बन गया, बदहाल है। सनातन खत्म हुआ गंधार से अफगानिस्तान बन गया, फटेहाल है, रोज वहां बम धमाके हो रहे। तुर्की अशांत है, सोमालिया अशांत है, ईरान अशांत है, इराक अशांत है, ऐसे तजाकिस्तान अशांत है। दुनिया में जहां जहां सनातन संस्कृति कमजोर हुई, सर्वधर्म संभाव खत्म हुआ है, वहां वहां अशांति है। तो इनको तो पॉलिटिकल जवाब देना चाहिए, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में, इसलिए तो मैं कह रहा हूं अब की बार 400 पार किसी व्यक्ति के लिए नहीं, सनातन के लिए ही करना है कि वास्तव में सनातन संस्कृति आए, सनातन धर्म मजबूत हो, हमारी कर व्यवस्था भारतीय कर व्यवस्था बने, हमारी पुलिस व्यवस्था भारतीय पुलिस व्यवस्था बने, गुलामी की पुलिस व्यवस्था खत्म हो, गुलामी की न्याय व्यवस्था खत्म हो, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था खत्म हो, गुलामी के रीति रिवाज, गुलामी की सोच, गुलामी की परंपरा खत्म हो। तो इसलिए सनातन तो जीतेगा अब की बार 400 पार।